महाराजगंज में नेपाल बॉर्डर पर हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। नेपाल का रहने वाला युवक कर रहा था हेरोइन की तस्करी। भारत नेपाल सीमा से सटे पगडंडियों के सहारे भारत में प्रवेश करने की फराक में था तस्कर। 17 ग्राम हेरोइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है, उसे बरामद किया गया है। एनडीपीएसी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस को चुनौली थाना क्षेत्र के ग्राम हरडीडालिया से गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद से अयोध्या को युवा एथलीट कोमल तलवार ने दौड़ लगाई है। 12 जुलाई को कोमल ने गाजियाबाद से दौड़ की शुरुआत की थी, जो कि 23 जुलाई को अयोध्या पहुंचेगी। कोमल कानपुर के राष्ट्रीय शंकरा संस्थान पहुंची, यहां पर कोमल का स्वागत किया गया। कोमल कुछ देर यहां और विश्राम करेगी, इसके बाद वो नाव लखनऊ होते हुए अयोध्या 23 जुलाई को पहुंचेगी। वहीं कोमल अक्टूबर से श्रीलंका से अयोध्या के लिए दौड़ लगाकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराएंगी। कलेक्ट्रेट में पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। फैमिली कोर्ट में आए पति पत्नी आपस में भिड़े, पत्नी ने पत्नी को जमकर पीटा। वकीलों की मौजूदगी में होती रही मारपीट। फैमिली कोर्ट में पेशी के बाद आपस में भिड़ गए दंपति। मारपीट का वीडियो वायरल। न्यायालय की सुरक्षा में दिखी लापरवाही। कलेक्ट्रेट परिसर का पूरा मामला। सहारनपुर के नकुड़ के मेन बाजार में दिन दहाड़े सार्फा व्यापारी से लूट की गई। लूट के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। दो युवक सार्फा में गोल्ड और सिल्वर में भरा डब्बा लेकर फरार हो गए। बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घेराबंदी शुरू कर दी गई है। सीओ थाना नुक्कड़ पुलिस मौके पर मौजूद। छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। मामूली विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मारी है। खेत में पानी चलाने से छोटे भाई का बड़े भाई से विवाद हुआ था। बड़े भाई का गांव में शराब का ठेका है। शराब ठेके के बाहर खड़ा हुआ था बड़ा भाई। तभी छोटे भाई ने शराब ठेके के सामने कई राउंड फायरिंग कर दी, जिससे उसे मौत के घाट उतार दिया। परिजन घायल अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं गांव में हड़कंप मचा हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात है। फुरखाबाद में वाहिता किन्नर को उसके पति और ससुरालजनों ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। वाहिता किन्नर के साथ युवक का 6 माह से चल रहा था प्रेम प्रसंग। दोनों ने रजामंदी से कानपुर देहात के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। शादी कुछ महीने बाद ही पति और ससुरालजनों ने मारपीट कर उसे निकाल घर से बाहर कर दिया। किन्नर का थाना और अरौला जनपद कानपुर देहात में आर्य समाज मंदिर में शादी हुई थी। वाहिता किन्नर ने थाना अरौला में पति के खिलाफ मारपीट कर घर से बाहर निकालने की शिकायत दी है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के याकूबगंज का एक पूरा मामला है। एसटीएफ और आबकारी टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मुखबिर की सूचना पर करीब 7 लाख की अवैध शराब को बरामद किया है। एक स्विफ्ट डिजायर कार और पिकअप पर लदी 95 पेटी शराब बरामद की है और 4 शराब तस्करों को भी बरामद किया है। झांसी में इस साल बारिश अपना विकराल रूप धारण कर जगह जगह त्राही माम मचा रही है। इस मौसम में सबसे ज्यादा समस्या आती है गरीब वर्ग को, जो धनाभाव के कारण सुचारू रूप से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं और दर बदर की ठोकरें कर रहे हैं। एक प्रकरण ओरछा गेट बार नंबर 11 का सामने आया, जहां पर प्रीता पाखरे नाम एक महिला छोटी सी कुटिया बनाकर रह रही थी। पति की मौत के 5 साल पहले कैंसर नामक घातक बीमारी से उसकी मौत हो चुकी है। बेटे जो कि अस्वस्थ होने के कारण कामकाज नहीं कर पाता, ऐसे में महिला पूरी तरह से परेशान है। लेकिन यहाँ पर पंचायत संघर्ष सेवा समिति की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। महिला की समस्या समाधान के लिए झोपड़ी के चारों तरफ पेड़ लगाकर लोहे का गेट और शेड डलवाया है।